हिमाचल में नशे का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली शाम चंबा पुलिस को दो अलग अलग स्थानों पर चर्स के साथ दो चर्स तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एक आरोपी को पुलिस की टीम ने गोली के पास 330 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार किया। यह आरोपी चंबा के चिल्ला घाट का रहने वाला था। दूसरे आरोपी को बनीखेत पुलिस की टीम ने बनीखेत में 830 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पुलिस ने HRTC की बस में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस कल आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश करेगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि चंबा पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों पर दो आरोपियों को चर्स के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले उन्होंने चंबा में कार्यभार संभाला था। उसके बाद उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत अब तक करीब 50 किलो चर्स के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि जिन लोगों को चर्स के साथ गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये चर्स कहां से लाते हैं। कुछ एक मामले में उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है। हाँ जी, आज हमने दो जगह चरस पकड़ी है। एक तो SIU की टीम ने 330 ग्राम्स चरस पकड़ी है। एक पैदल जाते हुए आदमी, उसके पास एक बैग था जिसका नाम जसबीर है। ये पठानकोट के रहने वाले हैं। गोली के अराउंड ये पकड़ा गया है और केस जो है वो डलौजी थाने में रजिस्टर हुआ है। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो बनीखेत चौकी की टीम ने पकड़ा है। वो 830 ग्राम्स चरस है जो एक HRTC की बस में पकड़ा गया है मोहम्मद रफ़ी नाम के इंसान से। ये शिलाघाट के रहने वाले हैं। ये बस पठानकोट की तरफ जा रही थी। नहीं देखिए, मुझे आए हुए 4 महीने हो चुके हैं और जब से मैं चंबा बींग वन ऑफ द सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स, इसलिए हमने NDPS ड्रग्स पे बहुत फोकस करा है। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज़ डूइंग रियली वेल और रेगुलरली हम पकड़ रहे हैं। अभी इट्स बीन मोर देन 50 kgs जो हमने केसेस पकड़ लिए। 40 के अराउंड केसेस पकड़ लिए हैं। 50 किलो के अराउंड चरस पकड़ ली गई है और बाकी ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल हर केस में जो प्रेजेंट केसेस आज हुए हैं, इनमें भी हमारी टीम जा चुकी है एंड वी आर ट्रेसिंग बैकवर्ड लिंकेज जो है कि इन्होंने जहाँ से ख़रीदा है, सोर्स तक पहुँचने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा, हमने बहुत सारे केसेस दिए हैं जिसमें हम सोर्स तक भी पहुँचे हैं, जिसमें सेक्शन 29 ऐड कर दी जाती है NDPS एक्ट की, कि ये अबेट कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं या इन्होंने बैकवर्ड लिंकेज फॉलो करा है। चंबा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।